आज इस वीडियो में मैं 24 इंच एलईडी टीवी की फॉल्ट के बारे में जानकारी देंगे। तो आप प्रॉब्लम को देख सकते हैं। देखिए, पिक्चर के ऊपर डॉट डॉट कलरिंग वर्टिकल लाइन्स आ रहा है, देखिए क्लियरली दिख रहा है आपको। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है और कैसे मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ये सारे जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। आप देख सकते हैं ये 24 इंच कॉम्बो मदरबोर्ड है और इसमें देखिए इनलक्स की पैनल यूज़ किया है और ये प्रॉब्लम इनलक्स की पैनल में ही ज़्यादा आती है। पहले मैं इस LVDS केबल को ओपन कर लेता हूँ और इसमें देखिए ये सिग्नल प्रोसेसर IC है, RX सिग्नल को प्रोसेस करती है और इधर ये DC-DC सेक्शन है। इसमें पैनल अपडेट करने के लिए जो वोल्टेज की ज़रूरत होती है वो यहाँ से प्रोड्यूस होती है। इस प्रॉब्लम के लिए ये सिग्नल प्रोसेसर IC ख़राब होता है। तो मेरे पास देखिए एक दूसरी क्लास कलर बोर्ड है, यहाँ से हम इस सिग्नल प्रोसेसर IC को ओपन करके यहाँ बिठाएंगे। तो चलिए एक बार इसको चेंज करते हैं। इस वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। अब इस IC को ओपन करना है, ये खराब है ये IC। देखिए यहाँ सोल्डर लगा हुआ है, इसको पहले बहुत अच्छे से क्लीन करना है। देखिए साफ हो गया। अब इस IC को यहाँ रिसोल्डर करना है। अभी मैं थोड़ा पेस्ट लगाएंगे। IC को मैंने सोल्डरिंग कर दिया और एक बार क्लोज देखिए, बहुत अच्छे से ये सोल्डरिंग हो गया। अब हम इसमें कनेक्ट करके देखेंगे। कनेक्ट हो गया। अब एक बार स्टैंड बाय से रिलीज करना है। देखिए स्टैंड बाय से रिलीज हो गया। अब पिक्चर को देखना है। हाँ देखिए, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, वो जो वर्टिकल कलरिंग डॉट डॉट्स आ रहा था वो प्रॉब्लम और नहीं है, यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बार देखिए ये जो सिग्नल प्रोसेसर है, मैंने इसको चेंज किया है।
और ये सिग्नल पॉइंट से ही ख़राब था, मैंने इसको चेंज किया और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।